तो जो बच्चे क्लास 9 से क्लास 10 के अंदर आ चुके हैं, मेरे पास काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि भैया हमारे क्लास 9 के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, हम क्लास 10 की स्टार्टिंग से ऐसी तैयारी करना चाहते हैं कि हमारे 10th के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स हैं। मैंने कहा कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है आपका सिलेबस, क्योंकि सिलेबस के बिना मैं आपको स्ट्रेटेजीज दे दूं, ये बता दूं, वो बता दूं, आप पढ़ाई कैसे करोगे, क्या पढ़ोगे, कौन से चैप्टर को छोड़ना है, कौन चैप्टर को पढ़ना है, क्या टॉपिक आपके डिलीट हो चुके हैं, क्या टॉपिक आपके आने वाले हैं, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो कि आपके सिलेबस से पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का सिलेबस जानेंगे जो कि होगा आपके 2024 और 2025 का। और सिलेबस में सब्जेक्ट कौन सा होगा हमारा, आज का सब्जेक्ट है आपके मैथ्स का, साइंस का भी आएगा, आपके एसएसटी का भी आएगा, मैथ्स का तो आ चुका है, इंग्लिश और हिंदी का भी आपका आ जाएगा सिलेबस, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके मार्किंग पैटर्न से। तो मार्क्स पैटर्न की बात करें तो मार्क्स पैटर्न होता है कि आपका पेपर किस तरीके से आएगा। तो पेपर आने का आपका जो तरीका है वो है टाइमिंग टोटल 3 घंटे की। इसके अंदर आपके जो मार्क्स होंगे वो होंगे टोटल 100 मार्क्स, जिसमें आपके पेपर के मार्क्स होंगे 80 मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट होंगे 20 मार्क्स। सुनते चलना, इसके अंदर काफी चेंजेस हैं, अभी इसको स्किप मत करना, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चेंजेस आए हैं इस साल, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा आपके इस 80 मार्क्स की। तो ये जो 80 मार्क्स है इसके अंदर बच्चों को काफी दिक्कत आ रही है कि यार 80 मार्क्स में से हमें एक्चुअल में कितने चाहिए। तो मैं आपको बताऊं तो 80 में से आपको कम से कम बता रहा हूं, अगर हम वैसे बात करें 33% के हिसाब से, तो आपको चाहिए टोटल 26.4 नंबर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे सफेद रंग का मेरे पास यहाँ पे स्केच बना हुआ है, इसको चला लेना, ठीक है। तो 26.4 नंबर आपको चाहिए इस 80 मार्क्स में। और इंटरनल असेसमेंट में अगर आपको स्कूल की तरफ से मान लो 15 मार्क्स मिल जाते हैं तो आपको 26 नंबर लाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको 15 मार्क्स स्कूल की तरफ से मिलते हैं तो आप अगर 20 नंबर भी लेकर आ जाओगे, मेरे सामने पेन बहुत अजीब सा, पता नहीं मैं पहली बार लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो 20 नंबर प्लस आपके 15 नंबर इन दोनों को ऐड करके आपको पास कर दिया जाएगा 10th के अंदर। क्योंकि यहाँ पर 10th के अंदर सबसे बड़ी खासियत है कि आपके दोनों मिला करके जो आपका यहाँ पर ये 80 मार्क्स होता है, इसके अंदर अगर आपके 20 नंबर आए हैं और इसके अंदर अगर आपके 15 नंबर, इन दोनों को मिला करके आपको पास किया जाता है। 12th के अंदर ऐसा नहीं होगा, 12th में आपको 26.4 80 में से अलग लाने पड़ेंगे और इंटरनल असेसमेंट में भी आपको 6 नंबर या 9 नंबर लाने पड़ते हैं अगर आपका 30 मार्क्स का होता है, वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था आपके पेपर पैटर्न पासिंग क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 के बच्चों के लिए, जो कि इस साल आपका लागू होगा और हर साल से चलता आ रहा है, इसके अंदर आपका कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं है। अब जान लेते हैं आपके चैप्टर वाइज वेटेज यानी कि यूनिट वाइज वेटेज। तो यूनिट वाइज वेटेज की बात करें तो आपकी टोटल यूनिट इस साल होने वाली है 7 यूनिट होने वाली है, जिसके अंदर आपका सबसे पहला यूनिट है नंबर सिस्टम, जो कि 6 मार्क की वेटेज रखेगा। नंबर सिस्टम के अंदर आपका सबसे पहला चैप्टर आता है वो है रियल नंबर्स। तो मैं तो बच्चों को हमेशा ये कहूंगा ये 6 नंबर आपके 100% पक्के हो जाएंगे, 100%, क्योंकि इस चैप्टर में काफी कुछ डिलीट हो चुका है और 6 नंबर का ये अकेला चैप्टर है। तो इस चैप्टर को तुम स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब तक तुम्हारा एनुअल एग्जाम नहीं आ जाता तब तक इस चैप्टर को अच्छे से करना। और उसके पहले अगर तुम्हें पूरे साल फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ नोट्स स्ट्रेटजीज और बहुत ही बेस्ट चीजें जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, मैं आपको ला करके दूंगा फ्री में, वो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल वाले आइकन को प्रेस कर लेना। यस, वो बेल वाला एक आइकन होता है, उसको प्रेस नहीं करते, सब्सक्राइब करके बाहर जाते हो, मत भागना, बेल वाले आइकन को ऑल पे क्लिक करना, जैसे भी करना उस पर जरूर क्लिक कर देना। सच बता रहा हूँ, उससे बहुत फायदा तुम लोग को मिलेगा पूरे साल। अभी लग रहा होगा कि नया चैनल है, बट जैसे इस साल का एंड आएगा तो वाह मजा आ गया। इसके बाद एलजेब्रा आपका दूसरा यूनिट है, जिसकी टोटल वेटेज है आपके 20 मार्क्स की, जिसके अंदर सबसे पहला चैप्टर आपका पॉलिनोमियल्स, दूसरा चैप्टर आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में सबसे हार्ड टॉपिक आपका कट चुका है भाई, सबसे हार्ड टॉपिक कट चुका है। ये चैप्टर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा घातक चैप्टर था, इसको मैं हमेशा स्किप कराता था, 3 साल से मैं करा रहा हूँ, उसमें मैं स्किप कराता था, भाई मत करना इस चैप्टर को, कॉम्प्लेक्स है, बट मैं कहूंगा इस साल आपका इजी हो चुका है, इसको आराम से कर सकते हो। इसी के अंदर आपका 2 चैप्टर और है, जो कि है आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और एक है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
ठीक है, ये आपका था अलजेब्रा वाले पार्ट में कॉर्ड। हाँ, अब इसके बाद आपका नया यहाँ पे जो यूनिट आ जाता है जो कि आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ही चैप्टर है। तो रियल नंबर आपका 6 मार्क का था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपकी 6 मार्क की है जो कि एक ही चैप्टर उसके अंदर, जिसका नाम भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है। अब आते हैं आपके ज्योमेट्री वाले पार्ट पे जो कि बच्चों को कंफ्यूज कर देता है कि ट्रायंगल एंगल इनको सिमिलैरिटीज करना, एस भाई साहब दिमाग खराब होता है। तो इसके अंदर आपके कौन से चैप्टर आएंगे? सबसे पहले बात तो 15 मार्क का टोटल आपका ज्योमेट्री वाली यूनिट है जिसके अंदर आपके चैप्टर्स हैं, एक है आपका ट्रायंगल्स, एक है सर्कल्स, एक है ट्रिग्नोमेट्री, और दो ही चैप्टर सॉरी एक है ट्रायंगल और एक है सर्कल। इसके बाद आपकी एक नई यूनिट स्टार्ट होती है जो कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क की वेट सकती है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है और हाइट एंड डिस्टेंस है। मैं आपको बता दूं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में भी आपके काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को कट कर दिया गया है, तो इसके अंदर भी अब आपके बिल्कुल भी हार्डनेस नहीं। हाँ, बच्चे के लिए 10th के अंदर एक नई चीज आती है, ट्रिग्नोमेट्री सीखूंगा। बहुत ईजी है ट्रिग्नोमेट्री, इस साल बता रहा हूँ, बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। अब चलते हैं नीचे, लास्ट वाले दो चार आपके यहाँ पे यूनिट बची हुई है। एक है आपके मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंदर आप पहले बात तो 10 मार्क का आपका मेंसुरेशन है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसकी बात करूँ ये चैप्टर आपका सबसे लंबा चैप्टर था, इजी था, लंबा चैप्टर था, 6-7 यूनिट एक्सरसाइज थे इसके अंदर। इनको भी काट पीट के बहुत छोटा सा बना दिया गया, ठीक है। इसके बाद आपकी लास्ट यूनिट है जो कि आपके स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी जो कि टोटल आपके 11 मार्क की है, ठीक है, एक सेकेंड, 11 मार्क की है जिसके अंदर आपके स्टैट्स है और प्रोबेबिलिटी दो चैप्टर आते हैं। अब आ जाते हैं आपके टोटल सिलेबस पे कि आपके सिलेबस में एक्चुअल में क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके रियल नंबर से। तो रियल नंबर की बात करूं तो एक्सरसाइज 1.1 आपकी आएगी इस साल, और उसके अंदर सुनना मेरी बात को, मुझे पता है काफी बच्चों के पास पुरानी बुक है, कुछ बच्चों को चिपका देगा जो है स्टेशनरी वाला नई बुक को। तो मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, अपनी बुक के अंदर ना सबसे पहला फ्रंट पेज होता है उसके अंदर जाकर के देखना एक्सरसाइज 1.1 जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ना, ये वाले पेज पे लिखा होगा एक्सरसाइज 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये आपका आने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपकी सेकेंड एक्सरसाइज है जो कि है आपकी 1.2 रिविजिटिंग इरेशनल नंबर प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। ये दो एक्सरसाइज आने वाली है आपकी इस साल, और इस साल 6 मार्क्स आना बहुत आसान हो चुका है आप सबके लिए, ठीक है। सेकंड चैप्टर आपका पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में भी एक्सरसाइज 2.1, सिर्फ 2.1 नहीं, अगर आपके 2.1 के आगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल लिखा है तो समझ जाना आपका वो आने वाला है। इसके अलावा 2.1 में अगर कुछ और लिखा है तो उसको काट दो। एक्सरसाइज 2.2 रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दो एक्सरसाइज आपके इस चैप्टर में से जो है वो आएगी। बहुत इजी हो चुका भाई, दो दो एक एक एक्सरसाइज है आपके पूरे पूरे चैप्टर में। ये चैप्टर था सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्सरसाइज 3.1 इंट्रोडक्शन एंड ग्राफिकल मेथड, 3.2 सब्स्टिट्यूशन एंड सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम इसके अंदर आपकी आएगी। एक्सरसाइज 3.3 एलिमिनेशन मेथड एंड सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम, ये आपकी जो इस साल आने वाली है। हो सके तो नई एनसीईआरटी बाय करने की ही कोशिश करना आपने, ठीक है। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो 4.1 में आपका 4.1 आने वाली है, एक्सरसाइज 4.1 की इंट्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सरसाइज 4.2 सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसके बाद आपका अगला है एक्सरसाइज 4.3 जो कि है आपका नेचर ऑफ रूट्स एंड सिचुएशनल प्रॉब्लम। इसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट स्लेब पांच चैप्टर की तरफ जो कि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर एक्सरसाइज 5.1 है इंट्रोडक्शन प्लस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज 5.2 nth टर्म ऑफ एन एपी। एक्सरसाइज 5.3 सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। ये आपका तीन ही एक्सरसाइज है इसके अंदर, सबके अंदर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कट गई यार। सिलेबस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दो ही एक्सरसाइज है आपकी यार 6 मार्क्स की। इंट्रोडक्शन प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके बाद आपका सेक्शन फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है बस। इसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर ट्रायंगल की तरफ। ट्रायंगल के अंदर आपका एक्सरसाइज 6.1 है जिसके अंदर सिमिलर फिगर। एक्सरसाइज 6.2 सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, बीपीटी थेल्स थ्योरम। इसके बाद है आपका यहाँ पे एक्सरसाइज 6.3 जो कि आपका क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल। अब आ जाते हैं आपके अगले चैप्टर जो कि आपका सर्कल चैप्टर। सर्कल चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 10.1 इंट्रोडक्शन प्लस टेंजेंट टू अ सर्कल प्लस थ्योरम 10.1 आपकी आएगी 10.1 एक्सरसाइज से। 10.2 एक्सरसाइज के अंदर आपका नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल प्लस थ्योरम 10.2 बस इतने में आपका चैप्टर कंप्लीट है दो दो एक्सरसाइज में।
इसके बाद है आपका ट्रिग्नोमेट्री जो कि कॉम्प्लेक्स चैप्टर था बट इसके अंदर से भी कर चुका है बहुत कुछ। इंट्रोडक्शन प्लस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, एक्सेस 8.2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल वैल्यू टेबल, एक्सेस 8.3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आपका ये चैप्टर जो है वो आने वाला है, इतना ही बस। ठीक है, इसके बाद आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 9th चैप्टर है आपका, 9.1 आपकी पूरी एक्सरसाइज आएगी जिसके अंदर हाइट और डिस्टेंस, मतलब ये एक ही एक्सरसाइज है इसके अंदर, और शायद इसके अंदर से कुछ भी नहीं काटा गया। चलते हैं नीचे आपके एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे, तो इसके अंदर आपकी एक ही एक्सरसाइज आने वाली है, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे, 12.1 सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड और एक्सरसाइज 12.2 वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, ओ खत्म, दो एक्सरसाइज में, ओ भाई साहब टू एक्सरसाइज में खत्म। सिलेबस आपके स्टैटिस्टिक्स पर आ चुके हैं, तो इसके अंदर आपके 13.1 मीन ऑफ ग्रुप डाटा बाय ऑल थ्री मेथड, भाई 6 एक्सरसाइज थे उसके अंदर, एक्सरसाइज 13.2 मोड ऑफ ग्रुप डाटा, 13.3 मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा प्लस एम्पिरिकल रिलेशनशिप। इसके बाद चलते हैं आपके लास्ट चैप्टर जो कि आपका प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर आपके एक्सरसाइज 4.1 है, 14.1 है सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो यहाँ पर आपका सिलेबस जो है वो